दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड की एक और अपकमिंग मूवी के बारे में जो फाइनली 2021 में सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड की एक और मूवी इस साल जनवरी के महीने में सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए फाइनलाइज्ड हो चुकी है। बॉलीवुड एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा को दिसंबर 2020 में अमेजन प्राइम वीडियो की मूवी अनपोज्ड और 25 दिसंबर को सिनेमा में रिलीज होने वाली शकीला मूवी में देखा गया था। बट दोस्तों फाइनली इस साल जनवरी के महीने में ऋचा चड्ढा एक और अपकमिंग पॉलिटिकल थ्रिलर फिल्म में नजर आने वाली हैं। इस पॉलिटिकल ड्रामा मूवी का टाइटल होने वाला है मैडम चीफ मिनिस्टर। रिसेंटली इस मूवी का एक जबरदस्त पोस्टर आउट किया जा चुका है जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे इस मूवी की स्टार कास्ट, इस मूवी की रिलीजिंग और इस मूवी की ट्रेलर के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इस मूवी की स्टार कास्ट में ऋचा चड्ढा, मानव कुल, सौरभ शुक्ला, अक्षय ओबेरॉय और शुभ्रा ज्योति भरत अहम किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। बात करें इस मूवी की रिलीजिंग की तो दोस्तों इस मूवी को आप 22 जनवरी 2021 को सिनेमाघरों में देख पाएंगे। इस मूवी को डायरेक्शन दी है बॉलीवुड डायरेक्टर सुभाष कपूर ने और ये मूवी टी सीरीज के बैनर की एक अपकमिंग फिल्म है और इस मूवी का ट्रेलर जनवरी के फर्स्ट वीक में ही लॉन्च कर दिया जाएगा।